हेलो दोस्तों, आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जॉब भंडार को और साथ ही दबाए इस बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफेक्ट नोटिफिकेशन 2020-21 के बारे में, जो कि भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के अंतर्गत 335 वैकेंसीज है। यहाँ पर ऑल इंडिया के लिए वैकेंसीज है। ऑल इंडिया से मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इफेक्ट नोटिफिकेशन 2020-21 के लिए इंटरेस्टेड हो और अप्लाई करना चाहते हो, तो अप्लाई करने से पहले आपको जानना होगा कि अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना ज़रूरी है, आपको यहाँ पर कितनी सैलरी मिलने वाली है, सिलेक्शन आपका किस बेस पर होगा, आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, और आपका एग्ज़ाम किस डेट में होगा, जो कि ये कंप्लीट डिटेल्स आगे इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, अब मैं आपको इफेक्ट नोटिफिकेशन 2020-21 की कंप्लीट डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन एयरफोर्स, जिसको IAF भी कहा जाता है। पोस्ट है इफेक्ट एंट्री, जिसके अंतर्गत ब्रांच या फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल और NCC स्पेशल एंट्री, जिनके लिए 235 वैकेंसीज निकली है। और इन वैकेंसीज पर अप्लाई करने के लिए अगर बात की जाए एज लिमिट की, वो यहाँ पर पोस्ट वाइज दे रखी है, जो कि इस प्रकार है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से 24 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच पोस्ट के लिए 20 से 26 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए एजुकेशन में फ्लाइंग ब्रांच के लिए ग्रेजुएट डिग्री का होना जरूरी है। टेक्निकल ब्रांच ग्राउंड ड्यूटी के लिए BE/BTECH का होना जरूरी है। नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी के लिए ग्रेजुएट डिग्री कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी के रूप में ₹250 जमा कराने होंगे। NCC स्पेशल एंट्री के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। इस पोस्ट के लिए बिना किसी एप्लीकेशन फ़ी के आवेदन कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ी जमा हो सकती है ऑनलाइन मोड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा। अगर बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, आपका सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट, फिजिकल टेस्ट या मेडिकल टेस्ट के आधार पर होने वाला है। सैलरी आपको मिलने वाली है 56,100 से 1,77,500 प्लस MSP 15,500 पर मंथ। ऑल इंडिया के लिए वैकेंसीज है। ऑल इंडिया से मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए स्टार्टिंग डेट है 1 दिसंबर 2020, लास्ट डेट है 30 दिसंबर 2020। अप्लाई करने के बाद आपको इफेक्ट एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना होगा, जो कि कंडक्ट होने वाला है फरवरी 2021 में। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है effect.cdac.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आसानी से कर सकते हो। दोस्तों, ये थी इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी। अगर अब भी आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप इस भर्ती की नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड कर सकते हो। नोटिफिकेशन PDF का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। वहाँ से आप नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड करके इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। वहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन का लिंक ओपन करके इस भर्ती के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आने वाले हैं डेली बेसिस पर।